दोस्तों, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, चाहे वो किसी अच्छी चीज की हो या फिर किसी बुरी चीज की। एक समय ऐसा भी था जब लोग बॉलीवुड की फिल्मों का इंतजार किया करते थे कि कब वो फिल्म रिलीज हो, कब हम सिनेमा हॉल में जाएं, कब उसे देखें और देखकर उसका आनंद उठाएं और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें कि वाह, मैंने आज ये फिल्म देखी है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस साल दो ऐसी बड़ी चीजें हुई जिसने बॉलीवुड को बर्बादी की कगार पर लाकर बिल्कुल ही खड़ा कर दिया है, जिसमें कोरोना का लॉकडाउन और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की मौत। जिस तरह से क्रिकेट में कोई एक खतरनाक गेंदबाज होता है, जब वो अपनी बॉलिंग करता है बाउंसर्स मारता है, लगातार बाउंसर्स मारता है, और बैट्समैन ऐसा होता है कि वो उस गेंद पर रन बना ही नहीं पाता है, उसके लिए रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो बॉलीवुड का भी हाल कुछ इसी तरह से है कि वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हर संकट से निकल कर बाहर आ जाए। और जो जिस तरह से उनका माहौल चल रहा था स्टारडम वाला, फिर से वो उसी तरह के माहौल में आ जाए, उनकी फिल्मों को लोग जाकर सिनेमा हॉल में देखे और वो लाखों करोड़ों रुपए छाप सके। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, 6 महीने तक तो कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था। जब लॉकडाउन खुला नहीं था तब बहुत सारी फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही थी, लेकिन लोग उसे देखने में कोई इंटरेस्ट जता ही नहीं रहे थे, क्योंकि वजह ऐसी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी और बॉलीवुड का नाम जिस तरह से इस मामले में जुड़ा, ड्रग्स की जो बातें सामने आई उससे जो आम जनता थी वो बहुत ही छिन्न भिन्न हो रही थी, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था बॉलीवुड के ऊपर, और ये गुस्सा अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो हो ऐसा रहा है कि लोग ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्मों को कोई भाव नहीं दे रहे। हालांकि अभी 10 दिन पहले सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी वहां जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल में मक्खियां तक भी नजर नहीं आ रही हैं, इस तरह की भी खबरें सामने आई। देखिये, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी उसने बॉलीवुड की जो सफलता की चाबी थी उसको एकदम से ही रोक दिया है। अब कोई ये नहीं चाह रहा है कि बॉलीवुड की फिल्मों को लोग देखे, उसका मजा ले। लोग बस इस इंतजार में रहते हैं कि कब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा, कब ये फिल्म रिलीज होगी, कब हम इसे डिसलाइक करेंगे और डिसलाइक करके हम अपने अंदर की जो खुशी है उसे जाहिर कर सके। क्योंकि अब लोगों को बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है और ये मजा आना भी चाहिए, ये बनता है। तो देखिये, बॉलीवुड में जो बड़े बड़े निर्माता हैं उन्होंने एक फैसला किया है कि बॉलीवुड के चाहे जितने भी बड़े कलाकार हों, चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान हो, इन सभी की फीस में 50% से भी ज्यादा की कटौती की जाएगी। अगर ये इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं तो इनके हाथ से वो फिल्में निकल जाएगी, क्योंकि वैसे भी लोग फिल्में देखने जा नहीं रहे हैं, तो कम बजट में फिल्में बनेंगी और लोग सिनेमा हॉल तक जाएंगे और नए कलाकारों को मौका मिलेगा तो शायद लोग सिनेमा हॉल तक जाएं भी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े कलाकारों के नाम मैंने अभी लिए, इन कलाकारों से लोगों का मोह एकदम से ही भंग हो चुका है, लोग इन्हें देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तक कि ये भी खबरें मिलकर आ रही हैं कि इनके हाथ से अब जितने भी ब्रांड्स हैं वो भी लगातार दूरी बनाते हुए चले जा रहे हैं, तब जाकर। और यही जो वजह थी जब लोग बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे थे, ब्रांड्स इनसे दूरियां बनाने शुरू कर चुके थे धीरे धीरे, तो इन सभी बॉलीवुड के कलाकारों ने, प्रोडक्शन हाउस ने एक जो फैसला किया था अर्णब गोस्वामी के खिलाफ केस करने का, ये वही वजह थी, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और ये लॉस इतना है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए बॉलीवुड का स्टारडम जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, और ये वापस कब आएगा, 6 महीने, 7 महीने, साल भर या कब आएगा, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही कोई किसी तरह का अंदाजा लगा सकता है कि बॉलीवुड के अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई बॉलीवुड बर्बाद हो चुका है या बर्बादी की राह पर है, या आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद होकर बिखर जाएगा, आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।